हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम लोग मोल फ्रैक्शन के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है क्योंकि मोल फ्रैक्शन आपको निकालने आना चाहिए, क्योंकि आगे के कुछ टॉपिक के न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको मोल फ्रैक्शन बहुत ही हेल्प करेगा। तो ध्यान से थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा, उसे बहुत आसान है। पता नहीं क्यों बच्चों को मोल फ्रैक्शन में इतनी प्रॉब्लम होती है, बट लेट्स ट्राई करते हैं। ध्यान से उस चीज़ों को देखिएगा। उससे पहले समझते हैं कि फ्रैक्शन होता क्या। जैसे मान लीजिए कि एक घर है और एक घर में छह कमरे हैं। एक घर है, घर के छह कमरे हैं और ये कमरा ए का है, ये कमरा बी का है, ये कमरा सी का है, ये कमरा डी का है, ये भी ए का है, ये कमरा ई का है। अब अगर पूछा जाए कि इस घर में ए का कितना हिस्सा है, इस पूरे घर में ए का कितना हिस्सा है, तो ए के पास कितने टोटल घर हैं? दो। दो घर हैं, कितने में दो घर हैं? तो टोटल एक दो तीन चार पांच छह घर में इस एक कितने थे? दो। तो जो इसका हिस्सा है पूरे घर में वो है 2/6 या कट क्या आएगा 1/3। इसी तरह अगर आपसे पूछें बी का कितना हिस्सा है, तो बी के पास सिर्फ एक है और कितने में है? छह। सी का कितना है? वही 1/6 में। डी का कितना है? एक। डी के पास एक ही रूम है, कितने में? छह में। ई के पास भी कितना है? 1/6। अगर इन सबको ऐड कर दें तो आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1। मतलब फ्रैक्शन जब भी ऐड करते हैं तो टोटल किससे बड़ा नहीं हो सकता? 1 से बड़ा नहीं हो सकता, ऐड करके आएगा 1। तो ऐसे निकालते हैं हिस्सा। ए का दो रूम था, कितने में? छह में, तो 2/6। बी का एक रूम था, कितने में? छह में, तो 1/6। तो ये होता है फ्रैक्शन, ये आप जानते होंगे बट मैंने एक बार बता दिया। अब आते हैं मोल फ्रैक्शन पे कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। तो मोल फ्रैक्शन अगर मान लें कि इफ n1 एंड n2 आर द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रिस्पेक्टिवली। अगर n1 जो है वो मोल किसका है? सॉल्यूट का मान ले रहे हैं, और n2 जो है वो मान ले रहे हैं किसका? सॉल्वेंट का मोल। तो आपसे अगर पूछा जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं एक बड़ा एक्स से, इसको बोलते हैं चाई। क्या बोलते हैं? चाई। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जो आएगा, सॉल्यूट के कितने मोल हैं? तो सॉल्यूट के n1 मोल है, n1 लिखिए ऊपर, डिवाइडेड बाई हिस्सा। फ्रैक्शन पूछ रहा है कितने में n1 है, तो दो लोग थे, एक n1 था और एक क्या था? n2। तो नीचे आएगा टोटल मोल n1 प्लस n2। ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, या इसको कह सकते हैं ऊपर हमने क्या लिखा, मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, मतलब टोटल मोल। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकालना था तो n1 सॉल्यूट का मोल ऊपर, नीचे टोटल मोल। इसी तरीके से अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालना हो, हम सिर्फ डिनोट कर रहे हैं सीधे चाई से, तो अब सॉल्वेंट का पूछ रहा है, सॉल्वेंट का क्या हम माने हैं? n2। तो वो हो गया n2 ऊपर डिवाइडेड बाय फिर टोटल कितना है? n1 प्लस n2, या इसी को लिख सकते हैं n2 क्या है हमारा, मोल ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। टोटल मोल कहने का मतलब यही, मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो सॉल्यूट का बस मोल ऊपर रखेंगे, नीचे जितने भी सब मोल है सबको ऐड कर देंगे। अगर सॉल्वेंट का पूछे तो सॉल्वेंट का मोल बस ऊपर रखेंगे, नीचे जितने भी रहेंगे टोटल मोल उनको ऐड कर देंगे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा,
कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ये इक्वल टू हमेशा क्या होगा, वन, क्योंकि अभी बताया है कि फ्रैक्शन हमेशा सम करने में कितना आएगा, वन ही आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना आता है, इक्वल टू वन। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। तो जो न्यूमेरिकल है पहला है कि ये मिक्सचर कंटेन 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन H2 प्लस 14 ग्राम ऑफ N2, फाइंड आउट मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। कह रहा है कि एक मिक्सचर है जिसमें 10 ग्राम ऑफ H2 है और 14 ग्राम ऑफ क्या है, N2 है। उस मिक्सचर में आपको बताना है दोनों का मोल फ्रैक्शन, कि H2 का कितना मोल फ्रैक्शन है और N2 का कितना मोल फ्रैक्शन है। अच्छा, इसमें 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 14 ग्राम नाइट्रोजन है, तो 10 ग्राम हाइड्रोजन कम है तो हम उसको मान लेते हैं सॉल्यूट और नाइट्रोजन को क्या मान लेते हैं, सॉल्वेंट। अच्छा, हमको पता है कि अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें तो मोल फ्रैक्शन या सीधे हम सिंबल लिखते हैं उसका, कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अगर हम हाइड्रोजन का निकालें तो फॉर्मूला आएगा ऊपर मोल ऑफ H2 मतलब इसका मोल डिवाइडेड बाई टोटल मोल। तो कौन कौन है, मतलब मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ N2। अब पहले हमको हाइड्रोजन का भी मोल निकालना पड़ेगा और नाइट्रोजन का भी मोल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम निकालें मोल ऑफ H2 तो कितना वेट दिया गया है, 10 ग्राम। 10 ग्राम डिवाइडेड बाई H2, एक हाइड्रोजन का वेट होता है 1, तो 2 का हो गया 2, तो सिंपल इसका कितना आ गया, 5 मोल। इसी तरह अगर हम मोल निकाल लें नाइट्रोजन का तो उसका गिवन वेट दिया है 14 डिवाइडेड बाई मॉलिकुलर वेट होता है 28 मतलब 0.5 मोल। ये दोनों हमारे पास आ गए मोल। अब यहाँ पे हाइड्रोजन का मोल रख देंगे और नीचे टोटल हाइड्रोजन प्लस N2 का, तो चाहिए मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 इक्वल टू मोल ऑफ H2 कितना आया है, 5 डिवाइडेड बाई मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ N2 मतलब 5 प्लस 0.5। इसी को अगर हम सॉल्व करें तो 5 प्लस नीचे आ जाएगा 5.5, ये आएगा 0.9, मतलब H2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ गया, 0.9। अब अगर हम निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 तो ऊपर हम रखेंगे मोल ऑफ N2 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2 प्लस मोल ऑफ N2, तो मोल ऑफ N2 कितना आया है हमारे पास, 0.5, ऊपर आ गया 0.5 डिवाइडेड बाय मोल ऑफ H2 है 5 प्लस 0.5, तो ये आ जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाय 5.5, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.1, इसका आया 0.9 और उसका आया 0.1। एक और तरीका है मोल फ्रैक्शन निकालने का, अगर एक का निकल जाए तो हमको पता है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ H2 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 दोनों का सम क्या आता है, 1। हमेशा मोल फ्रैक्शन का सम क्या आएगा, 1। तो यहां पहले हाइड्रोजन का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए थे, कितना आया था, 0.9, तो हाइड्रोजन का आ गया था 0.9 प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालना था, ये इक्वल आएगा 1। अब जब यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 आप निकालेंगे तो 1 माइनस 0.9 आएगा 0.1। तो यहां से भी हम निकाल सकते थे मोल फ्रैक्शन इस तरीके से भी, और आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ये तरीका ज्यादा आसान है कि एक निकल जाए तो उसको 1 में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर आप बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास बहुत टाइम है, तो आप ये मेथड भी लगा सकते हैं। तो जब भी मोल फ्रैक्शन निकालना रहेगा, जो भी अगर मोल नहीं दिया है, अगर उसका वेट दिया है इस तरीके से, तो पहले हम 2 या 3 या 4 जो भी लोग मिक्स हुए हैं उनका मोल निकाल दीजिए। जिसका मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है उसका मोल ऊपर, नीचे जितने लोग हैं उनका टोटल मोल।
एक और क्वेश्चन देखते हैं इस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। इस क्वेश्चन में मोलैरिटी और मोल फ्रैक्शन दोनों पूछ रहा है और कह रहा है कि 2.5 ग्राम एथनोइक एसिड को 75 ग्राम बेंजीन में क्या किया जा रहा है, मिलाया जा रहा है। तो एथनोइक एसिड यहाँ पे हो जाएगा हमारा सॉल्यूट और 75 ग्राम जो बेंजीन है वो मेरा क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे हमारे पास मास ऑफ जो सॉल्यूट है वो है 2.5 ग्राम और जो हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट है वो है 75 ग्राम। सबसे पहले निकालना है मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट और वो होना चाहिए हमेशा केजी। तो मोल ऑफ सॉल्यूट पहले निकालना। सॉल्यूट है मेरे पास 2.5 ग्राम किसका, CH3COOH का। अब CH3COOH का सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा मॉलिकुलर वेट। तो एथनोइक एसिड का मॉलिकुलर वेट होता है 60। तो अगर इसका हम सबसे पहले यहाँ पे मोल रखना है तो मोल निकालना पड़ेगा। तो अगर हम मोल निकालें तो आएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 60। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.041। ये आ गया है मोल ऑफ सॉल्यूट, कितना आया है 0.041। तो अगर हम यहाँ पे रखें 0.041 और इसको डिवाइड करेंगे वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है 75 ग्राम, बट हमको रखना इसमें है किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा 0.075। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.55 मोल पर केजी। ये आ गया हमारा मोलैरिटी। दूसरा पूछा है हमारा यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए दोनों का हमको पहले मोल निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे एथनोइक एसिड का तो मोल हम निकाल लिए हैं, दूसरा हमको निकालना है बेंजीन का मोल। तो अगर हम मोल ऑफ बेंजीन निकालें, मोल किसका निकालना है C6H6 का, तो उसका जो वेट दिया गया है वो है 75 और जो C6H6 का अगर मॉलिकुलर वेट निकालेंगे तो वो होता है 78। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.961। ये आ गया मोल ऑफ C6H6 का। अब हमको मोल फ्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ निकालना है एथनोइक एसिड का। तो एथनोइक एसिड का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ एथनोइक एसिड CH3COOH। उसका फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट। हमको सिर्फ मोल फ्रैक्शन एथनोइक एसिड का निकालना है तो हम मोल ऑफ सॉल्यूट मतलब यहां पे मोल ऑफ एथनोइक एसिड मतलब मोल ऑफ CH3COOH और यहां पे मोल ऑफ सॉल्यूट भी और मोल ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल ऑफ CH3COOH का जो हम निकाले वो आया है, वैसे भी वो हमारा सॉल्यूट ही था, तो वो आया है 0.041 डिवाइडेड बाय 0.041 प्लस 0.961। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.0416। तो मोलैरिटी निकल गया और मोल फ्रैक्शन निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल एंड वाटर इन ए सॉल्यूशन कंटेन 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास।
यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना है एथिलाइन ग्लाइकोल मतलब C2H6O2 का भी और वाटर का भी, बट क्वेश्चन में दिया कि 20% C2H6O2 बाय मास दिया हुआ है। तो जो मेरे प्रीवियस लेक्चर आप लोग देखे होंगे इसका मतलब समझ गए होंगे कि 20% C2H6O2 का मतलब वो क्या कह रहा है। तो बस वहीं से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा कि 20% ऑफ C2H6O2 बाय मास मतलब मास बाय मास मींस हम इससे क्या समझते हैं कि हमारे पास 20 ग्राम ऑफ C2H6O2 है जो है हमारा सॉल्यूट, 100 ग्राम है हमारा सॉल्यूशन और 80 ग्राम हमारा हो जाएगा यहाँ पे सॉल्वेंट, जो कि दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर। एक सॉल्यूट अगर इथिलीन ग्लाइकोल हो गया है तो दूसरा वाटर क्या हो जाएगा मेरा सॉल्वेंट H2O, ये हो गया मेरा सॉल्वेंट। अब दोनों का निकालना है मतलब वाटर और इथिलीन ग्लाइकोल दोनों का निकालना है हमको मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए सबसे पहले उन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा हमको मोल। तो अगर हम निकालें मोल ऑफ C2H6O2 तो गिवन मास 20 और इथिलीन ग्लाइकोल का जो मॉलिकुलर वेट होता है वो होता है 62, तो इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.32। अब निकाल लें मोल ऑफ वाटर मतलब मोल ऑफ H2O तो उसका वेट है 80 और हमको पता है कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट होता है 18, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 4.44। मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट भी निकल गया और मोल ऑफ सॉल्वेंट भी निकल गया। अब हमको निकालना है दोनों का मोल फ्रैक्शन। तो अगर हम सबसे पहले निकालें मोल फ्रैक्शन ऑफ मतलब चाई ऑफ C2H6O2 तो यहां पे हमको रखना होगा मोल ऑफ C2H6O2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल मतलब मोल ऑफ C2H6O2 का भी और मोल ऑफ वाटर का भी। तो मोल ऑफ C2H6O2 प्लस मोल ऑफ H2O, तो C2H6O2 का जो मोल आया है वो आया है 0.32 डिवाइडेड बाय 0.32 प्लस दूसरे का मोल है 4.44। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 0.068। मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ C2H6O2 का आ गया 0.068। अब निकालना है मोल फ्रैक्शन हमको H2O का, तो हमको पता है इसको सिंपल 1 में से क्या कर देंगे 0.068 को हम क्या कर देंगे माइनस, तो ये आएगा 0.932। इस फॉर्मूले से एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिए, टोटल मोल फ्रैक्शन होता है 1, तो 1 में से इसको क्या कर दिए माइनस कर दिए, मोल फ्रैक्शन उसका भी निकल गया और मोल फ्रैक्शन इसका भी निकल गया। ध्यान से इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।